आतिशफिशां, बुक वन, पार्ट 35। मैंने उठने में देर नहीं लगाई। पहला हरीफ उठकर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। मैंने उसका पंच रोकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। घूसा वजनी हथौड़े की तरह मेरे जबड़े पर लगा और मेरा दिमाग झनझना गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभलता, दो और घूसे मेरे जबड़ों पर लगे। मेरा दांत हिल गया। मुंह में खून का जायका महसूस करके मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने उसका अगला वार रोक लिया। एक हाथ से उसकी कलाई को गिरफ्त में लिए रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे पर खड़ी हथेली का वार किया। वो बिलबिलाकर आगे झुका। मैंने उसकी थोड़ी पर घुटने से जोरदार जरब लगाई तो वो बिलबिलाता हुआ सीधा हो गया। उसके साथ ही मैंने उसके जबड़े पर घूंसे रसीद करते हुए उसका बाजू छोड़ दिया। वो लड़खड़ाता हुआ अपने साथी पर गिरा जो उठने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन, मैंने स्टांस बदलते हुए दोनों हाथ आगे निकाल दिए। मेरा अंदाज इश्तियाल दिलाने वाला था। मैंने अपने उस्ताद मास्टर हुसैन से एक बात सीखी थी, लड़ो मगर अपना दिमाग ठंडा रखो, हरीफ को इश्तियाल दिलाओ और मौका पाकर अपना वार करो। मैं इस वक्त यही पॉलिसी अपनाए हुआ था। वो दोनों अगरचे मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे और मुझसे ज्यादा गर्म दिमाग भी। मैंने अपना दिमाग ठंडा रखा था मगर वो इश्तियाल में आ गए थे। वो दोनों उठकर मेरी तरफ बढ़े। मैं अब भी अपने हाथों को इसी तरह हरकत दे रहा था। वो जैसे ही करीब पहुंचे, मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और अपने आप को कई फुट ऊपर तक उठाता चला गया। फिर नीचे आते हुए मैंने दोनों टांगों को इस तरह झटका कि मेरी दोनों किक्स उन दोनों की खोपड़ियों पर लगी। ये ड्यूल किक्स मुझे जंगल वाले कैंप में मास्टर हांगसू ने सिखाई थी और इसके लिए मुझे कई हफ्तों तक बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े 8-9 फुट सीधा ऊपर उठ सकता था। वो दोनों बिलबिलाते हुए दाएं बाएं गिरे थे। मैं जमीन पर पैर टिकाते ही संभल गया और मुझे इधर उधर देखने का मौका मिल गया। हिपलियों के स्टीयरिंग पर सर झुकाए बैठी थर थर कांप रही थी और जानकी को दारा ने दबोच रखा था। जानकी अपने आप को छुड़ाने की पूरी जद्दोजहद कर रही थी। दारा ने उसके एक दो करारे हाथ भी मार दिए थे। उसके होंठों से खून भी बह रहा था। मैं दारा की तरफ लपका लेकिन उन दोनों गुंडों ने उठकर मुझे दबोच लिया। रामन प्रसाद कार में बैठा बैठा चीख रहा था। उन दोनों गुंडों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। मैंने जोर आजमाई करने के बजाय जिस्म को ढीला छोड़ दिया। वो समझे कि मेरी कुव्वत मुदाफ़े जवाब दे चुकी है लेकिन मैंने अपना जिस्म सिर्फ एक लम्हे के लिए ढीला छोड़ा था। मैंने गहरा सांस लिया और पहल करते हुए जिस्म की पूरी कुव्वत बाजुओं में समेट ली और जब मैंने बाजुओं को झटका दिया तो वो दोनों उछलकर कई फुट दूर जा गिरे। मैं पुश्त के बल पड़ा था। मैंने दोनों हाथ सर के नीचे जमीन पर टिका लिए, पैरों को समेटकर अपने जिस्म का ब्रिज बनाया और एक झटके से सीधा होते हुए सामने की तरफ कलाबाजी खाई। इस मर्तबा मेरे दोनों पैर उनके सीनों पर पड़े थे। शाबाश बॉस, वेरी गुड, प्रसाद मुझे दाद देते हुए चीख रहा था और फिर जानकी की चीख सुनकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए देखा कि प्रसाद कार के खुले हुए दरवाजे से किसी परिंदे की तरह उड़ा और दारा के ऊपर जा गिरा जो जानकी को बारों से पकड़े उसके जिस्म पर ठोकरे बरसा रहा था। प्रसाद दारा को साथ लेता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। उस वक्त उसने अपनी तकलीफ की परवाह भी नहीं की थी। वो भी दारा को बुरी तरह रगेत रहा था लेकिन फिर दारा का दाव चल गया। वो अपने आप को छुड़ाकर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और प्रसाद पर ठोकरे बरसाने लगा। पैर की तकलीफ की वजह से प्रसाद उठने के काबिल नहीं था। वो जमीन पर पड़े पड़े अपना दिफा करने लगा और फिर आश्रम वाली सड़क से दो कारों को आते देखकर दारा और उसके साथी गड़बड़ा से गए। दारा ने पीछे मुड़कर देखा और प्रसाद को छोड़कर अपनी कार की तरफ दौड़ा। उन दोनों गुंडों में से एक तो मेरी गिरफ्त में था मगर दूसरे ने दारा के पीछे दौड़ लगा दी। वो जैसे ही प्रसाद के करीब पहुंचा, प्रसाद ने उछलकर उसकी टांग पकड़ ली। वो गुंडा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर प्रसाद जोंक की तरह उसकी टांग से लिपटा हुआ था। दारा की कार का इंजन स्टार्ट हो चुका था और फिर दूसरे ही लम्हे वो कार एक जोरदार झटके से हरकत में आ गई। सूरत हाल की नजाकत का एहसास करते हुए दारा ने राह फरार अख्तियार कर लेने में ही आफिया समझी थी और अपने गुर्गों को हमारे रहमोकरम पर छोड़ गया था। उनमें से एक को प्रसाद ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था और दूसरा मेरे काबू में था। पहले मेरे मुकाबले पर दो थे लेकिन अब एक ही रह गया था। यूं तो मैं पहले भी उनके सामने कमजोर नहीं पड़ा था लेकिन अब बात 1-1 की थी। मैंने अपने हरीफ को पैर टिकाने का मौका नहीं दिया और घूसों और ठोकरों से उसकी तवाज़ो करता रहा। आश्रम की तरफ से आने वाली कारों में आगे वाली कार की रफ्तार बड़ी तेज थी। हम उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में थे। फिर वो कार ब्रेक की तेज चरचराहट की आवाज के साथ रुक गई। धड़धड़ करके कार के दरवाजे खुले और तीन आदमी नीचे उतर आए। मेरा ख्याल था कि शायद वो भी दारा के गुर्गे होंगे। मैंने अपने आप को उनसे निपटने के लिए तैयार कर लिया था। जानकी ने कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर पड़ा हुआ ना सिर्फ दारा का पिस्तौल उठा लिया बल्कि अपना भी उठा लिया और हिपलियों की कार में आर्म लेकर पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। वो दारा के नहीं बल्कि महाराज के आदमी थे। उनमें से एक कांग था।
उसके दोनों साथियों ने गुंडों को संभाल लिया और कांग ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मुझे अफसोस है कि हमें यहाँ पहुँचने में देर हो गई। दरअसल हम लोग तुम्हारे और दारा को वहाँ तलाश कर रहे थे, फिर हमने तुम्हें गाड़ी में वहाँ से निकलते देखा और उसके चंद ही मिनट बाद दारा को भी कार में वहाँ से निकलते देख लिया। हम तो फौरन इसके पीछे आना चाहते थे लेकिन हमारी कार फंस गई थी, फिर भी हम बर वक्त यहाँ पहुँच गए। दारा कहाँ गया? भाग गया वो बुजदिल। तुम लोग निकल चलो यहाँ से, हम इन दोनों से निमट कर आते हैं, कांग ने कहा। जानकी देवी ने पहले कांग को नहीं देखा था लेकिन उस वक्त सूरत हाल समझने में उसे देर नहीं लगी। वो कार की आड़ से निकल कर सामने आ गई। मैंने प्रसाद को सहारा देकर हिप्लियों की गाड़ी में डाल दिया और खुद भी उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गया। जानकी अगली सीट पर बैठ चुकी थी। हिप्लियों दहशतज़दा सी नजरों से सब कुछ देख रही थी। उसने जल्दी अपने आप को संभाल लिया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। स्टेयरिंग पर उसके हाथ हौले हौले कांप रहे थे। कुछ नहीं हुआ लियोंग, एहतियात से गाड़ी चलाओ, कहीं को हादसा ना हो जाए, जानकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो आगे क्या है? अगर अब वो हमारा रास्ता काटने की कोशिश नहीं करेगा, अब वो कई रोज तक किसी बिल में छुपा अपनी चोटें सहलाता रहेगा। तुम आराम से गाड़ी चलाओ, जानकी ने कहा। जब से ये आदमी आश्रम में आया था उसी रोज से गड़बड़ हुई थी। मैंने तो सोचा था वहां जाने ही छोड़ दूंगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, हिप्लियोंग ने कहा। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर जानकी की तरफ देखते हुए बोली। मेरा ख्याल है आश्रम में सारा हंगामा तुम लोगों की वजह से हुआ, ये कौन है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। लंबी कहानी है, इसकी वजह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये दुरुस्त है कि दारा को इसी की तलाश थी और ये तलाश बहुत अरसे से थी, लेकिन जब तुम उसकी कहानी सुनोगी तो तुम्हें इससे हमदर्दी और दारा से नफरत हो जाएगी। दारा वही आदमी है ना जो भाग गया? हाँ वही, दुनिया का सबसे सफाक, बेरहम और बुजदिल आदमी। उसकी सफाकी और बुजदिली का अंदाजा मुझे भी हो गया। दो दिन पहले उसने एक आदमी को आश्रम के अंदर ले जाकर बुरी तरह पीट डाला, उसकी एक पसली तोड़ दी और उसे उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने स्वामी के पैर चूमने से इनकार कर दिया था। जानकी ने उसकी बात पूरी कर दी। तुम्हें मालूम है? हिप्लियोंग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ मैं वहां मौजूद थी, मैं तो उस बदमाश की तलाश में वहां गई थी और उसकी हरकतों का जायजा ले रही थी। क्या तुम्हारा पुलिस से भी कोई ताल्लुक है? नहीं पुलिस से नहीं, ये एक मुख्तलिफ नौयत का मामला है। तुम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाओगी तो कांप उठोगी। पिछले चंद महीनों में शहर में जितने भी हंगामे होते रहे ना, उनके जिम्मेदार टाइगर और दारा हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध के मुजस्मे से सोना चोरी कराने की भी कोशिश की थी। जिस शख्स ने सोना चोरी होने से बचाया था, दारा और टाइगर ने उसे वार्ड के सामने बम से उड़ा देना चाहा। वो कई बेगुनाहों का कातिल है। टाइगर तो चंद रोज पहले वजदान के हाथों मारा गया, पर दारा अभी तक बचा हुआ है। वो गर्दन तक गुनाहों और जराइम की दलदल में फंसा हुआ है। ओह, वजदान वही तो नहीं जिसका हंगामों के हवाले से अखबारों में भी नाम आता रहा है? लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? हिप्लियोंग ने चौंक कर कहा। मेरे और वजदान के ताल्लुक का अंदाजा तुम इस तरह लगा सकती हो कि वो इस वक्त मेरे साथ है, जानकी ने कहा। वो जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। क्या? स्टीयरिंग पर हिप्लियोंग के हाथ कांप उठे और गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। गाड़ी संभालो, हिप्लियोंग ने फौरन ही अपने हवास पर काबू पाया और सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करके मुझे देखने लगी। मेरे साथ रामन प्रसाद भी था और उसके लिए शायद ये फैसला करना दुश्वार हो रहा था कि हम दोनों में से वजदान कौन है। वजदान कौन है? बिलाखिर उसने जानकी से सवाल कर ही डाला। वो जिसने थोड़ी देर पहले दारा के दो गुंडों की पिटाई की थी, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हिप्लियोंग आईने में मुझे देखने लगी। शायद उसे जानकी की बात का यकीन नहीं आ रहा था। आम आदमी के लिए मेरे बारे में ऐसी बात का यकीन करना मुमकिन भी नहीं था, लेकिन लियोंग जो कि अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी, इसलिए उसे यकीन करना ही पड़ा था। हमसे पहले जो लोग शहर पहुंच चुके थे उन्होंने शायद पुलिस को आश्रम में होने वाले वाकये की इत्तला दे दी थी और अब सामने से आती कुछ गाड़ियां नजर आ रही थी। सायरन की आवाजें भी फिजा में गूंज रही थी। उनकी छतों पर लगी हुई लाइटों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। लियोंग ने कार सड़क के किनारे लगाकर रोक ली। पुलिस की कई गाड़ियां और लातादाद फायर इंजन सायरन बजाते हुए तेज रफ्तारी से आश्रम की तरफ दौड़े जा रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद लियोंग ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसने रफ्तार हल्की ही रखी क्योंकि सामने से अब भी कुछ गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी। ग्रैंड होटल से उसने कार मेन सुखमवट रोड पर मोड़ ली। अभी रात के 11 ही बजे थे। इस सड़क पर खासी रौनक थी। हमारा ख्याल था कि किसी टैक्सी स्टैंड के करीब हम कार रुकवाकर उतर जाएंगे और वहां से किसी टैक्सी में बैठकर वार्ड ट्रमेंट की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस सड़क पर कुछ आगे जाकर लियोंग ने कारजेली सुखमवट 62 एका माय रोड पर
मोड़ ली तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। आगे बैठी जानकी ने भी नोट कर लिया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ कहाँ जा रही हो? हमें मेन रोड पर किसी टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर देती तो। मैं देख रही हूँ, तुम तीनों को फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तुम्हारा वो तीसरा साथी तो मुसलसल तकलीफ से करहा रहा है। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम तीनों को फर्स्ट एड मिल सकती है। जानकी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल था कि लोगों पर एतमाद किया जा सकता था और फिर इस हालत में मैं महाराज के सामने नहीं जाना चाहता था। क्या हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं लियोंग? जानकी ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। करना ही पड़ेगा। लियोंग पहली मर्तबा मुस्कुराई। तुम जानती हो मैंने तुम्हें अपनी कार में बैठते ही पहचान लिया था। ये सब कुछ देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम लोगों से हमदर्दी पैदा हो गई है। अगर तुम लोगों के खिलाफ मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं तुम्हें कहीं भी ड्रॉप कर देती और पुलिस को तुम्हारे बारे में जाकर बता देती। लेकिन शुक्रिया लियोंग। जानकी सीधी होकर बैठ गई। कार सोएचार्डन सर्क रोड पर मुड़ गई और थोड़ा ही फासला तय करने के बाद सोएथांगलो पर मुड़ गई। ये सारा पुरसकून रिहायशी इलाका था। सोएथांगलो एक कुशादा गली थी जिसके दोनों तरफ बंगले बने हुए थे। लियोंग ने एक बंगले के सामने कार रोक ली। सामने विंडो स्क्रीन के करीब रखे हुए पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकाला और इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर गई। जानकी अपनी जगह से सरक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई और जब लियोंग ने गेट खोला तो जानकी ने कार आगे बढ़ा दी। लियोंग मुस्कुरा दी। कार अंदर जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। जानकी ने पोर्च में कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। इस दौरान में हिपलियोंग भी वहां पहुंच गई और बरामदे में दाखिल होकर दरवाजा खोलने लगी। फिर अंदर दाखिल होकर वो बत्तियां जलाती चली गई। जानकी भी उसके पीछे पीछे अंदर आई और फिर लियोंग का इशारा पाकर बाहर आ गई। मैंने और जानकी ने प्रसाद को सहारा देकर कार से उतारा और उसे अंदर ले गए। वो बुरी तरह करहा रहा था। अंदर आकर रोशनी में मैंने देखा तो मैं उछल पड़ा। उसका पैर सूझकर कुप्पा हो रहा था। पहली मर्तबा मोचाने के बाद अगर वो शायद आराम से बैठा रहता तो इतनी ज्यादा तकलीफ न होती, लेकिन दारा से गथम गथा होने के बाद तकलीफ बढ़ गई थी। उसे हॉलनुमा कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया गया। जानकी फौरन ही झुककर उसके पैर का मुआयना करने लगी। उसने जैसे ही पैर पर हाथ रखा वो चीख उठा, तुम लोग अपने हुलिये दुरुस्त कर लो, मैं इसका पैर देखती हूँ। लियोंग ने कहा, हम ठीक हैं, लेकिन पहले इसका पैर देखो। जानकी ने कहा और चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम क्या कर सकोगी? क्या तुम भी डॉक्टर हो? डॉक्टर तो तुम हो, मैं तो मसाजर हूँ। मेरा ख्याल है इस वक्त इसका इलाज एक डॉक्टर के से बेहतर मैं कर सकती हूँ। हिपलियोंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जानकी भी मुस्कुराकर रह गई। लियोंग ने गलत नहीं कहा था। जोड़ों किस किस्म की तकलीफ का इलाज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो पहलवान किस्म के लोग ही किया करते थे और बैंकॉक में भी इस किस्म के लोग मौजूद थे, जबकि डॉक्टरी इलाज एक लंबा प्रोसेस था। लियोंग मसाजर थी और शायद उसने मसाज की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की थी। मसाज करने वाले भी ऐसे कामों में बड़े माहिर होते हैं। वो जिस्म के एक एक जोड़ और रगपट्टों से वाकिफ होते हैं। प्रसाद के टखने का जोड़ हिल गया था और उस वक्त उसे हिप लियोंग ही बिठा सकती थी। लियोंग किचन में चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो पानी गर्म करके लाई। प्लास्टिक का एक टब भी था जो उसने प्रसाद वाली कुर्सी के करीब कालीन पर रख दिया और नीले रंग की चौड़े मुंह वाली एक डिबिया ले आई जिसमें मटियाले से रंग की क्रीम भरी हुई थी। वो कुर्सी के करीब कालीन पर बैठ गई। टब को प्रसाद के पैर के नीचे रखा और गर्म पानी से उसका पैर धोने लगी। पैर को हरकत होने से प्रसाद बार बार करहा रहा था और जब वो तौलिया से पैर खुश कर रही थी तो प्रसाद बड़ी बेबसी से जानकी की तरफ देख रहा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक हसीन औरत तुम्हारे पांव धो रही है, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लियोंग ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अब वो क्रीम से प्रसाद के पैर पर मालिश कर रही थी। अगरचे उसने हल्का ही हाथ रखा था मगर प्रसाद सिस्कारियां भरते हुए बार बार पहलू बदल रहा था। लियोंग का इशारा पाकर मैं कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और दोनों हाथ प्रसाद के कंधों पर रख दिए। लियोंग प्रसाद के पैर पर मालिश करती रही। पैर बुरी तरह सूज गया था। वो टखने के आसपास की जगह को उंगलियों से सहला रही थी। प्रसाद अब ज्यादा बेचैन हो रहा था। लियोंग ने एक हाथ पंजे पर रखा और दूसरा एड़ी पर। फिर उसने अचानक ही पैर को जोरदार झटका दिया। प्रसाद बुरी तरह चीख उठा। उसके साथ ही उसने कुर्सी से उछलने की कोशिश की थी मगर मैंने उसके कंधों को बड़ी सख्ती से दबाए रखा था जबकि जानकी ने करीब बैठकर उसकी टांग गिरफ्त में ले रखी थी। लियोंग ने एक और झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। प्रसाद इस मर्तबा पहले से भी ज्यादा जोर से मचला था। अगर मैंने उसे दबोच न रखा होता तो वह यकीनन कुर्सी से गिर पड़ता। उसने चीख रोकने के लिए सख्ती से दांत भींच रखे थे। बस बस काम हो गया, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी डियर। बस अब मैं पट्टी लपेट दूंगी, तुम्हें आराम आ जाएगा, लियोंग उसके पैर पर मालिश करते हुए बोली। मालिश के बाद उसने पैर पर स्क्रब बैंडेज बांध दी थी और अपनी चीजें समेटने लगी। अब तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है,
पैर को ज्यादा हरकत मत देना। लियोन के कहने पर मैंने प्रसाद को गोद में उठाकर एक कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद मैंने अपने आप पर तवज्जो दी। लड़ाई के दौरान मेरे जबड़े पर घूंसे लगने से एक दांत हिल गया था जिसमें तकलीफ हो रही थी। मैंने माउथ वॉश से चंद कुल्लियां की मगर जाहिर है माउथ वॉश से दर्द कम नहीं हो सकता था। जानकी की हालत मुझसे ज्यादा अबतर थी। दारा ने उसे बालों से पकड़कर ना सिर्फ बुरी तरह रगेता था बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी घूंसे मारे थे। उसका दाएं तरफ का जबड़ा सूजा हुआ था और जिस्म के बाज़ हिस्सों में दर्द भी हो रहा था। घर में पेन किलर किस्म की कोई चीज नहीं थी। जानकी ने कागज पर कुछ गोलियों के नाम लिखे और लियोंग मेडिकल स्टोर से वो गोलियां जाकर ले आई। लियोंग ने कॉफी बना ली जिसकी उस वक्त हम सभी जरूरत महसूस कर रहे थे। हम प्रसाद वाले कमरे में बैठे कॉफी की चस्कियां लेते रहे और बातें करते रहे और उसी वक्त जानकी देवी ने हिपलियों को मेरे बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ और दारा मेरा दुश्मन क्यों हो रहा है। बातों के दौरान में मैंने महसूस किया कि प्रसाद ऊँगने लगा था। जानकी ने उसे खाबावर गोली भी दी थी जिससे उस पर गुनूदगी सितारी हो रही थी। हम उठकर कमरे से बाहर आ गए। उस आदमी को मैंने पहले भी कई मरतबा आश्रम में आते देखा था। बहुत से लोगों ने महसूस किया था कि दारा का रवैया कुछ मुख्तलिफ है। दूसरों के सामने तो वो स्वामी के साथ एहतराम से पेश आता था लेकिन उसने कभी स्वामी के हाथ नहीं चूमे थे, कभी उसके सामने नहीं झुका था। एक मर्तबा तो मैंने आश्रम की इमारत के अंदर उसे स्वामी के साथ बदतमीजी से बात करते हुए भी देखा था। वो उर्दू या हिंदी में बात कर रहे थे जो मैं समझ नहीं सकी लेकिन यह अंदाजा बहरहाल लगा लिया था कि स्वामी किसी वजह से उससे दबा हुआ है। पहले स्वामी के खास चेले जो उसके बॉडीगार्ड थे उसके आसपास रहते थे लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होते गए और उनकी जगह दारा के आदमियों ने ले ली। एक रोज आश्रम की पिछली तरफ झाड़ियों में स्वामी के एक बॉडीगार्ड की लाश मिली तो आश्रम में खौफ और हिरास फैल गया। मेरी तरह बास और लोगों का भी ख्याल था कि उस बॉडीगार्ड को दारा ने मरवा दिया और गायब होने वाले दूसरे बॉडीगार्ड्स को भी वो मरवा चुका है जिनकी लाशें गायब कर दी गई हैं। सब लोग समझ रहे थे कि अंदर ही अंदर कोई गड़बड़ जरूर है मगर स्वामी के मामूलात में कोई फर्क नहीं आया था। वो मामूल के मुताबिक भाषण देता और लोगों से नजराने वसूल करता। अलबत्ता ये तब्दीली देखने में जरूर आई कि जब वो अपने चेलों को भाषण देता तो दारा उसके सर पर जरूर मौजूद होता। स्वामी को मिलने वाले तमाम नजराने भी दारा के आदमी ही जमा कर लेते। वो चंद लम्हों को खामोश हुई फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, स्वामी के तमाम चेले उसे गुरु और निजात दहिंदे मानते थे, वो उसके पैर चाटते थे पर जब से दारा वहां आया था चेलों में कुछ बेचैनी सी फैल गई थी। वो स्वामी के मामलात में मदाखलत करने लगा था और दूसरों के साथ भी उसका रवैया मुनासिब नहीं था। बाज लोगों के साथ तो वो इस तरह पेश आता जैसे वो उसके जर खरीद गुलाम हो। चंद रोज पहले तुम लोगों ने अखबार में डॉलथाई नाम की औरत की खुदकुशी की खबर पढ़ी होगी ना। डॉलथाई एक बहुत बड़े सरकारी अहदे पर फाइज थी और वो भी स्वामी रघुनाथ के अकीदतमंदों में शामिल थी। एक रोज रघुनाथ ने उसे खास तौर पर अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त दारा भी वहां था। थाई जब वापस गई तो बहुत गुस्से में थी। उससे अगले रोज रात को कंपाउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर एक फिल्म दिखाई गई। वो फिल्म डॉलथाई के बारे में थी जिसमें उसे एक और आदमी के साथ शैतानी खेल खेलते हुए दिखाया गया था। उससे अगले रोज अखबारों में डॉलथाई की खुदकुशी की खबर छपी थी। डॉल की इस फिल्म को देखकर स्वामी के चेलों में कुछ बेचैनी से फैल गई। बाज़ लोगों ने स्वामी के सामने एहतजाज किया तो उन्हें बुरी तरह लताड़ दिया गया। इस वाक्य के बाद आश्रम में आने वालों की तादाद कम होने लगी। फिर लोगों के लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल ना रहा कि स्वामी मुकम्मल तौर पर दारा के कब्जे में था। ये वही करता था जो दारा कहता। दारा ने आश्रम में आने वाले बास बड़े लोगों की वीडियो फिल्में बना ली थी जिनसे वो उन्हें ब्लैकमेल करके बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता था। ये ब्लैकमेलिंग कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, सभी लोग जानते थे लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस हमाम में सभी नंगे थे। मैं खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। मुझे याद आ गया कि आश्रम के कमरे में टीवी पर मैंने एक ऐसा ही सनसनीखेज मंजर देखा था। वो कोई सियासतदान था जिसकी फिल्म बनाई जा रही थी ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा सके। अब मुझे सूरत हाल को समझने में देर न लगी। स्वामी रघुनाथ का यह आश्रम अय्याशी और बदकारी का अड्डा था। रूहानी तालीमात के प्रचार की आड़ में वो न सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा था बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके दौलत भी समेट रहा था। बड़े बड़े मौजिज लोग उसके हलके में शामिल थे और उसकी वजह यही कि स्वामी के खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। स्वामी रघुनाथ बड़े मुनज्जम तरीके से ये काम कर रहा था। उसने ब्लैकमेलिंग की हवा तक नहीं लगने दी थी किसी को। लोग खामोशी से ब्लैकमेल हो रहे थे लेकिन दारा ने आते ही हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने लोगों को दूसरों के सामने बेनकाब करना शुरू कर दिया जिससे लोगों में बेचैनी फैलने लगी। वो एक ही वक्त में लोगों की तिजोरियां खाली कर देना चाहता था लेकिन इस बात को वो भूल गया था कि उसका शदीद रद्दअमल भी हो सकता है। स्वामी रघुनाथ के आश्रम में पनाह लेकर दारा ये शायद ये समझने लगा था कि वो महफूज तरीन पनागाह में आ गया है और अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसे शायद ये ख्याल नहीं रहा था कि हर नहले पर दहला भी होता है, और अब मैं उस पर दहला साबित हो रहा था। मैं वजदान अली, एक मासूम और बेसहारा लड़का जो अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था, जो दारा का नाम सुनते ही खौफ से थर थर कांपने लगता था। अब मुझ में इतना हौसला पैदा हो गया था कि अपने इस बदतरीन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं, और दारा को शायद उसकी तवक्को नहीं थी। वो जबरदस्ती रहना चाहता था, वो चाहता था कि मैं उससे खौफजदा रहूं और उससे भागता रहूं, यहां तक कि थकन से चूर होकर गिर पड़ूं और वो बड़े आराम से मेरी गर्दन मरोड़ दे। लेकिन मैं थककर गिरा नहीं था, बल्कि उसकी तवक्कात के बरक्स मुड़कर उस पर हमलावर हुआ था। महाराज ने मुझे इस काबिल बना दिया था कि मैं उसके मुकाबले में अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। दारा ने मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया था, मुझे मौत के घाट उतारने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए थे। मैं उसके एक जुर्म का चश्मदीद गवाह था। मुझे खत्म करने के लिए उसने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो मेरा अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं बकौल शख्स उसके लिए सांप के गले में छचुंदर बन गया था, जिसे वो ना निगल सकता था ना उगल सकता था। अब अगर वो मेरा पीछा छोड़ भी देता तो मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो खूनी भेड़िया था, मुझे उससे अपने बेगुनाह माँ बाप के कत्ल का बदला तो लेना ही था, लेकिन दूसरे वाकयात ने मेरे इंतकाम की आग को कुछ और भड़का दिया था। वो मंशियात का जहर फैलाकर आने वाली नस्लों को मफलूज करना चाहता था, मुझे उसे रोकना था। अब तक कितने बेगुनाहों को उसने मौत की नींद सुलाया था, मुझे उनका भी इंतकाम लेना था। मास्टर फू, कौशल्या, शायवान, पैमिला और वो मासूम बच्चा जिसे उसने अरगमाल बनाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। मैंने उस बच्चे को देखा नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उसके बारे में सोचते हुए मेरे सीने में एक हूक सी उठती थी। दारा समझ गया था कि मैं अब उसकी राह पर लग गया था। वो स्वामी के आश्रम में पना गुजर हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो यहाँ अपने आप को बहुत महफूज समझता था, लेकिन मैंने उसे यहाँ भी हिलाकर रख दिया था। उसकी अपनी हरकतों की वजह से स्वामी के चेले भी उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, और फिर वो सब कुछ हुआ था जिसकी उसे तवक्को थी ना मुझे। स्वामी का आश्रम जलकर खाकस्तर हो गया, लेकिन दारा को वहां से फरार होने का मौका मिल गया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि दारा को स्वामी जैसे शख्स पर काबू पाने का मौका कैसे मिल गया था। वो तो खुद का ही आदमी था, बड़े बड़े लोगों को उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा था। क्या उसका कोई ऐसा राज दारा के कब्जे में आ गया था जिसका इंकशाफ उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था? वो ऐसा क्या राज हो सकता था? और अब सवाल यह था कि स्वामी रघुनाथ जिंदा भी बचा था या अपने आश्रम की आग में जलकर मर गया था। बहरहाल अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने हिपलियों की तरफ देखते हुए कहा। लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के तमाम सबूत आश्रम की आग में जलकर खाक हो चुके होंगे। दारा अगरचे भाग गया है, पर वो फिर सामने आएगा। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ये उसकी और हमारी जंग है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात, मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। लियोंग मेरी बात का मतलब समझ गई। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, बकौल तुम्हारे सब कुछ आश्रम की आग में जलकर राख हो चुका है, तो मेरे लिए डरने की क्या वजह हो सकती है? मैं दिली दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। लियोंग भी स्वामी के हलके में शामिल थी, और स्वामी का शुमार ऐसे लोगों में किया जा सकता था जो दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाने का कोई मौका जाया नहीं करते। उनके लिए दौलत और सिर्फ दौलत ही सब कुछ होती है। उसने सारा ड्रामा ही इसलिए शुरू किया था। रूहानी तालीमात की आड़ में बदकारी और अय्याशी के इस अड्डे में वो सब कुछ होता था जो वो चाहता था। उसने आश्रम में आने वाले हर मर्द औरत का कोई ना कोई राज अपने कब्जे में जरूर रखा था, ताकि उनकी बुनियाद पर लोगों को ब्लैकमेल करके दौलत से मिटी जा सके। लियोंग का भी कोई राज था जिसके जाया हो जाने पर उसने इत्मीनान का सांस लिया था, और ना जाने अब कितने लोग सुख का सांस लेंगे। तुम इस चक्कर में कैसे फंस गई थी लियोंग? बदकिस्मती से, शहर में मेरे 3 मसाज पार्लर चल रहे हैं। तीनों पार्लर बड़े होटलों में हैं। रोजाना हजारों की आमदनी है। एक रोज मेरे दफ्तर में मिसेस डोलताई से रूहानियत के मौजू पर बात हो रही थी। वो मेरी पुरानी कस्टमर थी, मुझे भी रूहानियत से थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी। मैंने इस मौजू पर कुछ किताबों का मुताला भी शुरू कर रखा था। मिसेस डॉल ने मुझे रूहानियत के बारे में जानने के लिए स्वामी के आश्रम जाने का मशवरा दिया, बल्कि उससे अगले रोज वो मुझे खुद वहां लेकर गई और स्वामी से मेरा तारुफ कराया। उसके अंदाजे गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि डोलताई स्वामी के अंदरूनी हलके में शामिल है। स्वामी रघुनाथ से होने वाली इस पहली मुलाकात में बेहद मुतासर हुई थी। उसने मुझे चंद औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल एक ग्रुप में शामिल कर दिया। मैं बाकायदगी से वहां जाने लगी। इसके लिए मुझे रोजाना कुछ न कुछ नजराना पेश करना पड़ता। ये नजराना उस वक्त पेश किया जाता जब स्वामी भाषण खत्म करता। तकरीबन 2 महीनों में मुझे अंदाजा हो गया कि स्वामी तो रूहानियत की अलिफबे से भी वाकिफ नहीं है। उसके अपने ही नजरियात थे जिनका वो प्रचार कर रहा था, और इन नजरियात से तुम लोग भी वाकिफ हो चुके हो। बहरहाल वो बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में तो जब मर्दों और औरतों को आजादाना तौर पर नाशायस्ता हरकतें करते मैं देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन बाद में मैं खुद भी इस रंग में रंगती चली गई।
स्वामी के भाषण, उसके नजरियात, हिजान खेज बातें, हिजान खेज मौसीकी, और सबसे बढ़कर ये कि इतने लोगों की मौजूदगी में भी वहाँ एक दूसरे को देखने वाला कोई नहीं था। सबके चेहरे हुड में छुपे होते, कोई डर कोई खौफ नहीं था, किसी को पता नहीं होता था कि कौन किसके साथ है। मैं भी इस चक्कर में फंस गई। ये तो मैं समझ गई थी कि स्वामी का मकसद ही वो मादर पदर आज़ादी था, जिसकी इजाज़त कोई माशरा नहीं दे सकता। मेरी तरह और बहुत से लोग भी इस हकीकत को समझ गए थे, लेकिन कोई भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। और फिर एक रात स्वामी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। स्वामी की बात कोई भी नहीं टाल सकता था, उसका हर हुक्म माना जाता था। उसने जो हुक्म मुझे दिया, मैं भी वो न टाल सकी। मुझे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ एक ऐसा आदमी मौजूद था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। और फिर दूसरे रोज ही मुझे आश्रम के अंदर बुला लिया गया। इस मर्तबा स्वामी का खास चेला मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे टीवी पर एक वीडियो फिल्म दिखाई। मैं कांप कर रह गई। पिछली रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ उस फिल्म में महफूज था। फिल्म दिखाने के बाद मुझसे बड़ी रकम का मुतालबा किया गया और उसके साथ धमकी भी दी गई। मैंने खामोशी से वो मुतालबा पूरा कर दिया। और फिर हर दो हफ्ते बाद मुझसे इतनी ही रकम का मुतालबा किया जाता रहा। दूसरी तरफ वो इस शख्स को भी ब्लैकमेल कर रहे थे जो मेरे साथ था। उससे ज़्यादा बड़ी रकमें ऐठी जा रही थी। वो लोग शिकार की हैसियत के मुताबिक मुतालबा करते थे, जिसे खामोशी से पूरा कर दिया जाता था। मैंने एक रोज़ मिसेस डॉल्थाई से बात की तो इंकशाफ हुआ कि वो भी इस जाल में फंसी हुई है। वो हुकूमत के काला अहदे पर फाइज थी। उससे तो बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जा रही थी। और फिर एक रोज उसने रकम देने से इनकार कर दिया और उसके साथ ही स्वामी को ये धमकी भी दे डाली कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और फिर उसी रात आश्रम के कंपाउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर मिसेस डॉल्थाई की वो फिल्म दिखा दी गई और उसी रात उसने खुदकुशी कर ली। उसने कोई ना कोई खत जरूर छोड़ा होगा, लेकिन पुलिस को वो खत मिल नहीं सका होगा। कंपाउंड में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मिसेस डॉल्थाई की इस फिल्म की नुमाइश का मकसद दूसरों को वार्निंग देना था कि अगर किसी के जहन में बगावत का ख्याल हो तो वो भूल जाए। और फिर दारा ने वहां आकर लोगों में बेचैनी फैला दी। वो खुलकर धमकियां देता और लोगों को हिरासा करता। और आज जो कुछ भी हुआ वो जिस तरह मेरे लिए बायस इत्मीनान साबित हुआ, कल आश्रम में आतिशबाजी की खबर पढ़कर दूसरे लोग भी इत्मीनान का सांस लेंगे। क्या तुम्हारे शौहर ने वहां जाने पर कोई एतराज नहीं किया था? अगर मेरा शौहर होता तो शायद मैं उस तरफ का रुख कभी ना करती। 2 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। थाईवांग मुझे स्वामी रघुनाथ के आश्रम के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी, लेकिन हिपलियोंग ने जो इंकशाफात किए थे वो बहुत सनसनीखेज थे। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसका ताल्लुक जिंदगी के एक मुअज्जज़ शोबे से था। माशरे में उसकी इज्जत थी, लेकिन मेरे कहने पर वो भेड़ियों के इस भट में जाने को तैयार हो गई थी। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो वहां से सही सलामत निकल आई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त रात का 1 बजने वाला था। अचानक मुझे ख्याल आया कि कांग और उसके साथी महाराज के पास पहुंच चुके होंगे। हमें तुमसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम इत्मीनान से यहां बैठे थे और मुझे यकीन था कि महाराज परेशान हो रहे होंगे। मैंने इधर उधर देखा। एक तरफ टेलीफोन सेट रखा नजर आया। क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने लियोंग से पूछा। जरूर, क्यों नहीं? वो मुझसे पहले उठ गई और टेलीफोन उठाकर मेरे करीब सोफे पर रख दिया। मैंने रिसीवर उठाकर वार्ड का नंबर मिलाया जिस पर महाराज से बात हो सकती थी। कॉल फौरन ही पिक कर ली गई, लेकिन आवाज महाराज की नहीं थी। मैं वजदान बोल रहा हूँ, महाराज से बात करनी है। ओ वजदान, मैं कांग हूँ। कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें तो हमसे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हमें एक हमदर्द खातून मिल गई थी जो हमें अपने घर ले आई। वैसे प्रसाद की हालत ठीक नहीं थी, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। 1 मिनट, महाराज से बात करो। तकरीबन 1 मिनट खामोशी रही, फिर महाराज की आवाज सुनाई दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर मैंने गहरा सांस लेते हुए फोन रख दिया। क्या हुआ? जानकी ने मेरी तरफ देखा। महाराज ने हुक्म दिया कि हम फौरन उसके पास पहुंच जाए। मगर प्रसाद तो सो रहा है, अगर उसे उठाकर ले जाएगा तो उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ये बात हिपलियोंग ने कही थी। अगर कोई खतरा ना हो तो हम इसे यहीं छोड़ जाते हैं। कल दिन में किसी वक्त कांग को भेजकर बुलवा लेंगे। वैसे तुम्हारी कल कोई मसरूफियत तो नहीं? मैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलूंगी अब। और मेरे ख्याल में प्रसाद को यहाँ कोई खतरा नहीं। वैसे भी इसे 2-4 दिन आराम की जरूरत है। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। सुबह कांग वापस पहुंचा देगा, मैंने उठते हुए कहा। प्रसाद वाले कमरे में जाकर झांक कर देखा तो वो खाबावर दवा के जेर असर गहरी नींद सो रहा था। गाड़ी का दरवाजा लॉक नहीं था,
चाबी भी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने अभी तक ड्राइविंग नहीं सीखी थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर जानकी को ही बैठना पड़ा। मैं पैसेंजर सीट पर बैठने लगा तो मेरी नज़रें डैशबोर्ड पर रखे हुए दो पिस्तौलों की तरफ उठ गईं। एक जानकी का था और दूसरा दारा का, जो जानकी ने सड़क पर से उठा लिया था। मैंने दारा वाला पिस्तौल उठाकर लियोम की तरफ बढ़ा दिया। रख लो, शायद किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ जाए। हिप लियोम ने मुस्कुराते हुए पिस्तौल ले लिया। जानकी कार का इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। लियोम ने गेट खोल दिया और जानकी गाड़ी को गेट से निकालकर बाहर ले आई। यहाँ पर पार्ट 35 का अख्तितम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 36 समाप्त फरमाएं।